वेलकम इन से हाय, हम जा रहे हैं आपको घर, बुड्ढो के साथ मस्ती करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय फैमिली ब्यूटीफुल जर्नी और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और हम लोग हैं आज हैप्पी न्यू ईयर के दिन अपने घर, क्योंकि बच्चों को कहीं लेकर आना था तो आपको घर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हमने कहा मैं इससे रिलेटेड आज आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी क्वेरीज है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी और आपको यहाँ बताऊँगी कि यहाँ पर क्या कुछ है, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं और क्या प्राइस है और कहाँ ये स्टेबल है और क्या इसका टाइमिंग है, एवरीथिंग से जो भी आने से पहले या इंटरेस्टेड हो आपको घर आने के, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने इस वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, स्किप मत कीजिएगा। और चलिए आज चलते हैं पुणे के अप्पू घर। तो जैसे कि मैंने दिखा दिया कि हम लोग आ गए हैं अंदर और हमने टाइमिंग रखा है 3 बजे का। हम ये दो इवनिंग के समय है, 3 PM हम लोग आ गए थे अप्पू घर। ओके, इधर ये बाइक राइड्स है, छोटे छोटे हैं, सामने फाउंटेन है। आई थिंक इवनिंग में ये और ज़्यादा खूबसूरत होगा, रश इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट इट्स ओके। निको बिनु, डर तो नहीं लगा? तो अप्पू घर में ये है फर्स्ट राइड बच्चों के लिए, जो कि है छोटा भीम राइड। और इसका चार्जेस लगता है ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ ईच। तो ये बच्चों के लिए फ़न के लिए ये बहुत अच्छी राइड है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग अभी यहीं से शुरू की है हमने, झूल के हम चल दिए हैं, हमने इसको कर दिया है बाय बाय। तो बस अब चल दिए सेकेंड, अभी हम तो अप्पू घर में एंट्री फीस है बड़ों की है, एल्डर्स की है 100 रुपीज़ ईच और बच्चों की है 50 रुपीज़ ईच। आप चाहें तो एक साथ जितने भी राइड्स हैं उनके आप इस बाहर ही पे कर सकते हैं जब आप एंट्री फीस लेते हैं। तो वहां पर आपको बड़ों का पड़ता है 500 एंड बच्चों का पड़ता है 450। तो आप डिपेंड करता है आप पर। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अंदर जाकर ही वन बाय वन हम राइड्स को देखकर तब हम चार्ज करेंगे और जो राइड्स लेनी है हम उसे ही उसका ही पे करेंगे। तो ये हम आ गए हैं अप्पू एक्सप्रेस पे। यहाँ ये भी एक छोटी सी अप्पू एक्सप्रेस ट्रेन है, ओपन ट्रेन बच्चों के लिए, जिसमें आप बड़े भी बैठ सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बड़े भी इसके साथ बैठ सकते हैं जैसे कि हमने किया। तो ये एक राइड होगी, ये सेकंड राइड हो जाएगी हमारी। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अंदर आकर ही डिसाइड करेंगे कि जो राइड्स हम ले सकते हैं या बच्चे ले सकते हैं हम उसका ही पे करेंगे। तो उससे हमको ये बेनिफिट हो जाता कि कई राइड्स जो हैं वो हम नहीं ले पाए थे यहाँ पर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इस वजह से। यहाँ राइड्स अच्छी बात ये कि बड़ों की भी है। तो हमारी ट्रेन यहाँ स्टार्ट हो गई है अप्पू घर की, जो अप्पू एक्सप्रेस। अप्पू घर में पर राइड का चार्ज है, एल्डर्स के लिए है 60 रुपीज़ और रेयर ही जगह पर है, एक दो जगह पर वहाँ 80 रुपीज़ है।
जबकि बच्चों के लिए है 50 और 40 इसी के स्लोप में है, तो आप इजीली वहाँ राइड्स ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ फिनिश हो गई हमारी अप्पू एक्सप्रेस ट्रेन राइड। अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर ये गार्डन है, ये ऑलमोस्ट गार्डन। हाँ गुड्डा, इसमें फिश नहीं है बेटा। और ये बस हम चल दिए हैं आगे। अप्पू घर का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट जहाँ भी अप्पू घर है ऑल इंडिया में उनका टाइमिंग सेम ही रहता है, 12 PM टू 8 PM तक का है। तो हमने टाइम ऐसा डिसाइड किया कि जब हम 8 PM तक ना सही तो पर 7 या 7:30 तक हम यहाँ स्टे करें, जिससे कि हम नाइट में लाइटिंग का भी व्यू देख सकें इसमें। अभी तो फ़िलहाल ये एक नॉर्मल गार्डन की तरह है, लग रहा है थोड़ा सा अपग्रेड है, बच्चों के राइड्स हैं। ये देखिए ये आगे हम थर्ड राइड पर। और एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये थी कि बच्चों के राइड्स में आप राइड्स ऑपरेट मैन को आप बोल सकते हैं कि राइड को स्लो चलाना है या थोड़ा सा फास्ट करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि एज ए पेरेंट्स जब आपके बच्चे छोटे हो और आप फर्स्ट टाइम हो तो ये इसके लिए ये बहुत सही चीज़ है कि आप ना उन्हें डर ना लगे, क्योंकि आप उनको फन में ही रहने दें, डर में ना आने दें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा एज ए पेरेंट। राइड्स वाले भैया ने पूछ लिया था कि तेज़ तो नहीं करें, उन्होंने काफ़ी स्लो चला रखा था, फिर हमने बोल दिया कि थोड़ा सा तेज कर दो। हाँ थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा कर दो, कर दीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट किया है। देखते डर तो नहीं, डर तो नहीं लग रहा ना, मामा को बता देना। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ना ये जगह अच्छी बना रखी है उन लोगों ने, आउटसाइड फूड नॉट अलाउड। अच्छा आप कैंटीन से या कुछ भी खाएंगे तो यहाँ बैठ के इत्मीनान से बच्चों के साथ आप चिल मार सकते हैं, इसके लिए अच्छा है। ये बड़े लोगों की आ जाती है यहाँ पर, और बड़ों के साथ जो भी थोड़े बड़े, ओहो फिश पॉट, अच्छी चीज़ है, खूबसूरत बनाई है, छोटी है पर अच्छा लग रहा है, बच्चों के हिसाब से काफी सही है। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं आराम से। ये एक मूवी हॉल है छोटा सा, जहाँ मूवीज देख सकते हैं। मूवी में जो बच्चों की 12D मूवी जो कि बच्चों की ही होती है, बट हमारे बच्चे अभी छोटे हैं तो हम उन्हें वो नहीं दिखा सकते, बट हाँ यहाँ पर मूवी हॉल भी है बच्चों के लिए। एंड सामने बड़े राइड्स आ गए हैं, सच कहूँ तो अंदर जैसे जैसे हम आए हैं वैसे वैसे बड़ा अट्रैक्टिव हो गया, ये अच्छा लग रहा है। एक और राइड बच्चों की,
कुछ भी कहें पर बच्चों के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी जगह है उनके लिए, फुल इंजॉयमेंट का यहाँ पे इंतजाम है कि बच्चे काफ़ी खुश रहते हैं, जैसे कि मेरे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ भी। हाथ नहीं डालना, तुम छोटे हो अभी, वो दीदी बड़ी थी। ओके, फाइनली वास्को डी गामा में भी बैठने को कर दिया है मना। बच्चे नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि अभी वो 3.5 फुट के नहीं है, 3 फुट से ऊंचे होने चाहिए, वो अभी छोटे हैं। और ड्रैगन राइड्स के लिए भी मना कर दिया है, बच्चे नहीं अलाउ हैं। तो अब हम आए हैं एक, उन्होंने बोला कार राइड है, तो देखते हैं लेट्स सी कौन सी है कार राइड। ये एक ट्रैक सा दिया तो हुआ है, आई थिंक यही होगी कार राइड, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है काफ़ी देर से, देखते हैं कुछ। ये था ड्रैगन और जिसमें मना कर दिया, बच्चे नहीं बैठ सकते, और ऐसा था तो लगा तो नहीं था क्योंकि उसमें संभाल सकते थे बच्चों को आराम से। इट्स ओके, गाइड कार, हाँ तो ये है गाइड कार, देखते हैं गाइड कार में क्या है। चलिए हम चलते हैं कार राइड पर। ओके, ये कार राइड ठीक है सब बच्चों के हिसाब से ही है। अच्छा, यहाँ पे एक भूल भुलैया भी बनाया हुआ है। चलो स्लोली, हाँ चलो गुड। ये हो गई, ओ पकड़ के बैठ देते हैं, ट्रैक पर चल रही है मूवी। ओ
टैली कॉम्बेट, ये है, इसमें बैठना है बेटा। वो बच्चों के लिए नहीं है, यस वो सब बड़े बच्चों के लिए है। और तुम्हारे चक्कर में मम्मा पापा भी नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमको नहीं बैठने देंगे ना वो, इस करके। ये यहाँ पर है भूत बंगला, भूत बंगले में भी बच्चों का जाना मना था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया था कि आप भूत बंगले में लेकर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों को ये भी स्किप करना पड़ा, ये प्लान भी हमारा रह गया ऐसे ही। और हाँ, जब हम कार राइड से उतरे हैं उसके बाद एक छोटी सी भूल भुलैया भी है जिसमें से निकलने के बाद हम इस डायरेक्शन में आ गए हैं। ये सामने जो दिख रही है येलो और रेड कलर की, ये है क्रेजी बस। ये राइड रुक गई है किसी भी रीज़न से, या ख़राब है या अभी वो ठीक हो रही है, वो जो भी है, पर अभी ये राइड काम नहीं कर रही है। ऐसी एक और राइड थी जो कि बाइक की थी, तो उस हिसाब से ठीक रहता है कि हमने घर यहाँ पर अंदर आने के बाद ही ज़रूरत के हिसाब से ही हमने जो राइड्स लिए हैं उनके चार्ज दिए हैं। तो ये चीज़ हमको अपना डिसीज़न ठीक लगा है ना। देते हैं तो उसका 60-80 तो रेयर में ही है, सभी में 60 या 50 का प्राइस है। आप चाहे एक साथ भी ले सकते हैं। सारे राइड्स के लिए बच्चों के लिए है 450 रुपीज़ एंड बड़ों के लिए 500, पूरा एक आप एक ले सकते हैं, तो उसमें भी आप सारे राइड्स के मजे ले सकते हैं। अच्छा, हमारा डिसीजन ठीक था, देखो तो ले। तो जैसे जैसे इवनिंग हो रही है थोड़ा सा अच्छा लगता जा रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने पीछे के व्यूज़। यहाँ पर है अप्पू घर, ये काफ़ी अंदर आकर है जहाँ पर बच्चों वाला नहीं, यहाँ पे बड़ों के राइड्स है। ये वहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये सीन्स भी बड़े प्यारे लग रहे थे। जैसे जैसे इवनिंग हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये और खूबसूरत लग रहा है। स्टार्टिंग में इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं लग रहा था, एक नॉर्मल सा गार्डन लग रहा था, पर जैसे जैसे हम लोग अंदर आए हैं ये, और जैसे जैसे इवनिंग हो रही थी तो इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि सही बताऊँ तो अंदर साइड ही से काफ़ी अट्रैक्टिव थोड़ा बनाया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपने पीछे, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम लोग, यहाँ पर रश भी काफ़ी था। और यहीं पर ये है वास्को डी गामा जो मना कर दिया है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे जैसे भी करके उसे एक बार एक राइड लें, क्योंकि वास्को डी गामा राइड मैंने अभी तक नहीं लिया है। ये देखिए मैं आपको पीछे का अपना व्यू दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये हम आ गए हैं फिश स्पा के लिए, और मुझे बहुत गुदगुदी हो रही थी, मुझे ऐसे जैसे छोटी छोटी चींटियां काट रही हैं, बट अब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम आप फनी एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। मेरे लिए ये थोड़ा सा फनी था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरी थी हल्का सा, पर डर नहीं, बहुत अच्छा है ये स्पा, अच्छी है, अगर मौका मिले तो लेना चाहिए इसे ना, क्योंकि इससे आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, आपको थोड़ा रिलैक्स होता है, कई सारे बेनिफिट्स हैं, बट इट्स ओके, अच्छी है ये, मुझे अच्छा लगा ये। जितना अच्छा है पर उसका टाइम पीरियड मेरे हिसाब से बहुत कम था, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा होता। चलो ठीक है गुड्डा, तुम यहाँ रहो, यहाँ पे रहना गुड्डा, है ना, हम इधर ही तो हैं, दीदी से बात करते रहना। हाँ तुम दीदी साथ खेलो 2 मिनट्स, और फिर एटलीस्ट फाइनली हम लोगों ने वास्को डी गामा राइड ली, हम लेने के लिए चल दिए, क्योंकि वहाँ पर जो वास्को डी गामा राइड ऑपरेट कर रही थी वो लेडी ने बोल दिया था कि वो बच्चों का ध्यान रख लेंगी, और बच्चे भी थोड़े कन्विंस हो गए थे निकू विनू, तो बस फिर हमने कहा चलो ले लेते हैं राइड। हमने कम ही ली थी, ज़्यादा देर नहीं, पर काफ़ी अच्छी रही। हम बहुत देर से ट्राई कर रहे थे राइड को लेने के लिए, बट हम हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, हमने कई सारे राइड छोड़ दिए थे क्योंकि वहाँ छोटे बच्चों की वजह से उनको साथ नहीं बिठा सकते थे, और उन्हें अकेले छोड़ना पॉसिबल नहीं था, तो ये हमारा पॉसिबल हुआ। यो।
क्या पेट में गुदगुदी हो गई। और लाइटें ऑन हो गई है, लाइट्स ऑन हो गए हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपको पीछे दिख रहा होगा, देखिए इवनिंग होते होते लाइट्स ऑन हो गए हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि लाइट्स का नाइट में देखने का मज़ा ही अलग होगा, क्योंकि तभी ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो अभी जब सब तरफ इन्होंने लाइट्स ऑन किया है तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही है, अट्रैक्टिव है, कलरफुल तो ऑलरेडी है ही ये। जैसे वास्को डी गामा के नीचे साइड में पूरे में लाइट्स है, यहाँ साइड में LED लाइट्स यूज़ की हुई है इन्होंने, तो काफ़ी खूबसूरत प्यारा लग रहा है सब के सब रियल में देखने में। ये देखिए मैं इसलिए मैं चलते हुए पीछे दिखा रही हूँ आपको, आपको अच्छा लग रहा होगा ये सारा। और इवनिंग होते होते ही यहाँ पर रश हो रहा है, रश पड़ रहा है कर थोड़ा थोड़ा धीरे करके। जब हम दोपहर में आए थे नॉन टाइम में तब इतना रश नहीं था, बट जैसे जैसे शाम हो रही है तो रश भी हो रहा है और लुक भी अच्छा आ रहा है। ये देखिए आप जैसे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर उन्होंने ये ग्रीन लाइट्स लगाई है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और ये देखिए अभी लोग दिख रहे हैं, अभी काफ़ी लोग आने शुरू हो गए हैं, बच्चे हैं, पूरी लाइन की लाइन है और सब तरफ अब लोग दिख रहे हैं, चहल पहल काफ़ी बढ़ सी गई है। और ये मैं एक बात और बता दूँ, ये किले ये यहाँ पर है जहाँ पर बड़ों के राइट। हाँ अब नाइट हो गई है, है गुड्डा। तो अभी हो गया काफी टाइम, अंधेरा हो चुका है और 7:30 के लगभग होने वाले हैं। तो अभी काफ़ी देर से हम लोग घूम रहे हैं, तो अभी हमें कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो इसके लिए हम आ गए हैं अभी कैंटीन में, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। इस पे रख दो गुड्डा, ओके वो चेयर। अभी हम आके बैठ गए हैं यहाँ पर, तो देख ले सकते हैं कि कुछ खाई दे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। हम लोग 2 बजे से ही है, थोड़ा बहुत हम लोग कैंडीज वगैरह बस उसके बाद घर से खाकर आए थे, तो अब हम लोग कुछ खाने बनाने तो देखते हैं। और बस इवनिंग स्नैक्स के बाद हम लोग चल दिए हैं बाहर अपने घर की तरफ। बाय बाय अप्पू घर, ये मेरा अप्पू घर का पूरा व्लॉग था जिसमें मैंने जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती है आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो।